हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आलू का पराठा। तो दोस्तों, आलू का पराठा तो सबको पसंद रहता है खाने में, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी करेंगे। दोस्तों, इसमें हमें कुछ मिलाना नहीं है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हम आटा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटे का डो रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे ना घी। घी लगाने के बाद इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी कोई स्टफिंग वाला चीज़ बनाए ना, तो आटे का डो एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, तभी पराठा अच्छे से बनेगा। जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 उबला हुआ आलू। इसे ना कद्दूकस कर लेंगे। तो दोस्तों, कद्दूकस करने से क्या होता है ना, पराठे का स्टफिंग एकदम स्मूथ रहता है, इसमें लम्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आलू अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। इसे हम ना दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पीस लेना है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल को गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा और दरदरा पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसे हम थोड़ा सा ना इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला और हल्दी पाउडर। इसे भी हम चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे।
मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ आलू। आलू को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे मसालों में। अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और हरी धनिया की पत्ती, इसे भी अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, स्टफिंग बनकर पराठे के लिए रेडी है। अब इसे हम नीचे उतारेंगे ठंडा होने के लिए। अब इसे ना एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब इसमें से ना इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने से क्या होता है दोस्तों ना, पराठा में स्टफ करते समय ना ये बहुत आसानी रहता है। तो यहाँ पे आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे इस तरह से हम एक बार वापस गूंथ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थाली में थोड़ा सा सूखा आटा रख लिया है। अब इसमें से हम एक लोई लेंगे। तो पराठे के लिए दोस्तों थोड़ा सा लोई ना बड़ी लेते हैं। अब इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटे को ना कटोरी के शेप में बना लिया है। अब इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और इस तरह से आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब इसमें हम वापस सूखा आटा लगाएंगे और इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए बड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना, स्टफिंग पराठे में अच्छी तरह से फैल जाता है। अब इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो पराठा मैंने बेल लिया है। अब इसे हम तवे पे डालेंगे। तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है ना, पराठा सेकते समय हमें ना गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है, तभी पराठा अच्छा फूलता है।
अब हम पराठे को ना दोनों तरफ अच्छी तरह से तेल लगा के सेक लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी और कितना यम्मी आलू का पराठा बनकर रेडी है। और इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।